नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जो UGC नेट पेपर फर्स्ट, SSC और जितने भी एग्जाम हैं उसमें ये बहुत आते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन के सवाल। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारा फोकस जो है UGC नेट के ऊपर है। दोस्तों UGC नेट में जो पेपर फर्स्ट है, यूनिट 5 है उसकी, और उसमें 2 या 3 सवाल या 2 सवाल उसमें ज़रूर आते हैं। दोस्तों दो क्वेश्चन हो गए 4 नंबर के, 4 नंबर से बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम, इनकी एक पीढ़ी होती है, हमारे जो संबंध होते हैं रिलेशन, उनकी एक पीढ़ी होती है। जैसे माता और पिता की जो पीढ़ी हुई वो एक हुई, ठीक है, माता और पिता की जो पीढ़ी हुई दोस्तों वो एक हुई। उसमें आपके चाचा, ठीक है, बुआ और ताऊ एक ही पीढ़ी में आएंगे ये सब, ठीक है। और जो उनके बच्चे होते हैं वो उनसे नीचे वाली पीढ़ी में आते हैं। और जो पिताजी, जो हमारे दादा होते हैं, वो पुत्र के माता के जो पिता होते हैं, ठीक है, जो इनके तो सास हो गए, ठीक है, अब इनको उठा देते हैं हम। परंतु एक पीढ़ी जो दादा और दादी के हो गए हम, दादा और दादी या नाना नाना या नानी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए इनसे ऊपर वाली पीढ़ी के, और हमारे जो बच्चे होंगे वो हमसे नीचे वाली पीढ़ी में होंगे। पति पत्नी का संबंध दोस्तों वो हम ऐसे नोट करते हैं, ठीक है, भाई बहन की जो जनरेशन है वो एक होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम सवाल पर आते हैं, क्योंकि सवाल मेन है, संबंध तो ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं, परंतु किस किस पीढ़ी में आते हैं वो कम जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है डी के का भाई है। तो दोस्तों डी जो है के का भाई है, डी का मतलब है डी कोई मेल है पुरुष, और के का पता नहीं है वो कौन है। तो हम डी को चौकोर में डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिनोट करेंगे डी। डी पुरुष हो गया इसलिए चौकोर में चलाया मैंने, वो के का भाई है, ठीक है, के का भाई है, और एम के की बहन है। तो दोस्तों एक ही पीढ़ी हुई, ठीक है, एम जो है वो एक लेडीज है। अब डी के का नहीं पता अभी कौन है, ये मतलब बहन या भाई है। आर डी के पिता है, मतलब पिता क्या हुआ एक पीढ़ी ऊपर, डी के पिता हुए, ठीक है, डी के पिता ये पुरुष वर्ग में आते हैं। और एस एम की माता है, जो एस है, ठीक है, जो एस है वो एम की माता है, वो भी एक पीढ़ी ऊपर हुई, ठीक है। आर जो है डी के पिता, एस एम की माता। डायग्राम बन गया आपका। अब सवाल ये कह रहा है तो के का आर से क्या संबंध है, ठीक है, तो के का आर से क्या संबंध है, ठीक है। तो फ्रेंड्स या तो के का आर से क्या संबंध, दोस्तों ये क्या हुआ के का आर से संबंध क्या हो गया, ए पिता हो गया, ठीक है, क्या हो गया पिता। और आर का अगर के से संबंध पूछता तो या तो पुत्री होता या होता पुत्र, ठीक है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, के का आर से संबंध ये है पिता, अगर एस का पूछता तो ये होती माता, ठीक है। दोस्तों आप समझ गए होंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, 4 नंबर 2 क्वेश्चन जो आते हैं बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आप समझ गए होंगे।
आपकी बात, थोड़ा आप भी थोड़ा मन लगाना। दूसरा सवाल है, ए बी का भाई है, ठीक है, ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है। दूसरा कह रहा है सी व डी वैन है, सी व डी वैन है, ठीक है, और ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। अब कह रहा है तो बी का सी से क्या संबंध है, तो बी का सी से क्या संबंध है, ठीक है। दोस्तों ए बी का भाई है, जो ए है बी का भाई है, ए पुरुष है, बी का पता नहीं है या पुरुष है या स्त्री है, ठीक है। सी व डी बहने हैं, ये पता नहीं है कि इनकी बहन है क्योंकि अभी ये साफ नहीं हुआ है। ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध, तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बी ए जो है पुरुष है, ठीक है, ए है पुरुष, बी का भाई है, ए की श्रेणी में है बी का भाई, पहला पूरा हो गया। सी व डी बहने हैं, अभी इनको छोड़ते हैं, ठीक है। ए का पुत्र जो है डी का भाई है, दोस्तों इसका मतलब हो गया कि सी व डी बहने हैं और डी उसका भाई है, ठीक है। तो ए का पुत्र डी का भाई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ए की पुत्री है, ठीक है। कोई तीसरा पर्सन है ए का जो भाई है, ठीक है। अब सी व डी बहन है, सी और डी जो है आपस में बहने हैं, और सी और डी का जो भाई है, कोई भाई है, ठीक है, उसको हम चौकोर में करते हैं। सवाल ये पूछ रहा दोस्तों कि तो बी का सी से क्या संबंध है, ठीक है, तो बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, ठीक है। ये दोनों कौन हुए, या तो बहन भाई कह सकते हैं, भाई भाई कह सकते हैं, भाई का भाई की पुत्री, ठीक है दोस्तों। तो भाई की पुत्री कौन हुई, अगर अगर हम इसको माने लेडीज, ठीक है, स्त्री माने, तो ये कौन हुई, भतीजी हुई, ठीक है, कौन हुई, भतीजी, और ये कौन हुई, ये हुई इनकी बुआ, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर हम इसको पुरुष भी माने तब भी ये भतीजी हुई, ठीक है। ये दोस्तों आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल चुटकियों में सवाल हल हो गया। अब तीसरा सवाल देखते हैं, मिटा देता हूँ उसको मैं, अब तीसरा सवाल है, ए डी का छोटा भाई है, ए जो है डी का छोटा भाई है, ठीक है। दूसरी बार कह रहा है डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, तीसरे बार में कह रहा है बी और सी बहन है, बी और
की बहन है, ठीक है। फिर कह रहा है तो सी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। तो सी का ए से क्या संबंध है, तो फ्रेंड्स डायग्राम बना के समझते हैं इसको हम। दोस्तों ए डी का छोटा भाई है, परंतु दोस्तों हमें छोटे भाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है ये दोनों एक ही पीढ़ी में आ रहे हैं, ठीक है। ए डी का छोटा भाई है, ए जो है पुरुष है, डी पता नहीं है बहन है या भाई है, तो ए जो है वो पुरुष है, ठीक है, एक ही पीढ़ी में है, ठीक है। ए डी का छोटा भाई है, डी जो है डी है बी का पिता है, ठीक है। जो डी है वो बी का पिता है, मतलब कि बी की जो ऊपर वाली जनरेशन है, ठीक है, और बी की ऊपरली वाली जनरेशन, तो इसका मतलब हो गया कि बी का पिता है, ठीक है। यही पता नहीं है ये लेडीज है या पुरुष है, ठीक है। तो जो बी है, जो डी, वो बी का पिता हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बी और सी बहन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी बहन लेडीज हो गया, और जो सी है ये भी एक लेडीज ही हो गई, मतलब दोनों बहन है तो लेडीज हो गई, बिल्कुल क्लियर है। बी और सी बहन है, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये ए डी का छोटा भाई है, डी बड़ा है और जो ए है ये छोटा है, तो दोस्तों ये क्या हुआ, इसकी ये बेटी है, ठीक है, ये भी एक, तो सी का ए से क्या संबंध हुआ, ये जो है दोनों बहन, ये इनके पिता हैं और ये इनके चाचा हुए, ठीक है। भाई का जो पिता का भाई कौन लगा, चाचा लगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है ये, ठीक है, आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा सवाल, बिल्कुल डायग्राम बना के बनाना आप, बिल्कुल गलत नहीं होगा सवाल। अगला सवाल देखते हैं हम, एक सवाल लास्ट, ठीक है। एफ भाई है एस का, एफ भाई है एस का, ठीक है। फिर कहता है सी पुत्री है ए की, सी पुत्री है ए की, ठीक है। फिर कहता है सवाल के बहन है एफ की, के बहन है एफ की, ठीक है। के बहन है एफ की, फिर कहता है कि जी भाई है सी का, जी भाई है सी का, तो जी का चाचा कौन है, ठीक है। तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, ठीक है। दोस्तों आपके सामने सवाल है, एफ भाई है एस का, सी पुत्री है ए की, के बहन है एफ की और जी भाई है सी का, तो जी का चाचा कौन है। डायग्राम से देखते हैं इसको,
सबसे पहले देखते हैं एफ भाई है एस का, एफ जो है पुरुष है, ठीक है, एफ पुरुष, उसका एस का भाई है, एस का पता नहीं है अभी ये कौन है। सी पुत्री है ए की, ठीक है, के वहन, अभी छोड़ते हैं इसको सेकंड वाले को, सी पुत्री है ए की, अभी छोड़ते हैं इसे, के बहन है एफ की। उस तो के कौन हुई, ए की पीढ़ी में हुई, तो ये कौन हुई, के एफ की बहन हुई, ये स्त्री है, तो इसे हम गोलाकार में कर देते हैं, ठीक है। ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब देखते हैं सी पुत्री है ए की, ठीक है, और जी भाई है सी का, तो सवाल था, सवाल थोड़ा गलत हो गया, ये जो एस का नहीं था, ये है एफ भाई है ए का, ठीक है, एफ भाई है ए का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ए, ठीक है, एफ भाई है ए का, बिल्कुल ठीक है। सी पुत्री है ए की, अब क्या है, अब इसकी नीचे जनरेशन आ जाएगी, जो सी है वो एक पुत्री है, तो क्या समय आएगी, वो आएगी गोला में, ठीक है। उसके बाद में के बहन है एफ की, के जो है बहन है एफ की, अब है जी भाई है सी का, जो जी है वो कौन है, एक लड़का है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जी का चाचा कौन है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हुए, ये अगर हम इनको पिता मान लें ए को, ठीक है, क्योंकि इनकी पुत्री है और पिता और बेटे हैं, तो हम इनको पिता मान लें, ठीक है, तो चाचा कौन हुआ, ये चाचा हुए एफ, ठीक है, और ये इनकी बुआ हो गई, ठीक है दोस्तों, हो गया सवाल, कुछ नहीं करना आपको। जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन हुआ, एफ इनका चाचा हुआ, एफ का भतीजा कौन हुआ, जी भतीजी कौन हुई, सी हुई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो और ये टॉपिक कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और इसका जो पार्ट टू है, जो तस्वीर वाले होते हैं, ठीक है, तस्वीर वाले भी होते हैं, उनको मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। दोस्तों वीडियो देखने के बाद जय हिंद जय भारत।